नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जनरल डिब्बे में यात्रा को लेकर। रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है। इसी कड़ी में हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान यात्रियों की सुविधा को और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जनरल कोच में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेनों में यह नियम लागू किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जनरल कोच में सफ़र करने के लिए आपको रिजर्वेशन करवाना होगा। हालांकि इसी साल फरवरी महीने में यह नियम हटा दिया गया, जिसमें कि यह बताया गया कि कुछ ट्रेनों में 120 दिन आगे के लिए एडवांस टिकट बुक किए जा चुके हैं, इसीलिए इन ट्रेनों में यह फैसला बाद में लिया जाएगा। यानी कि जिन ट्रेनों में रिजर्वेशन ले लिया गया है, यानी कि जिन ट्रेनों में लोगों ने जनरल क्लास में भी अपना रिजर्वेशन करा लिया है, उसके लिए जो है 120 दिन की तारीख जो है और बढ़ा दी गई थी। कोरोना काल से ठीक पहले ट्रेनों में जनरल डिब्बों में सामान्य टिकट से लोग यात्रा कर सकते थे, ऐसे में यह प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, खास करके जनरल डिब्बे में जो लोग यात्रा करते हैं, जो कि कम दूरी की यात्रा करने वाले होते हैं या फिर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले होते हैं, और इनका फैसला बहुत ही अचानक होता है। यानी कि जनरल डिब्बे में सफ़र करने के दो तरीके हैं, या तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, यानी कि कम दूरी के लिए जाना है, तो आप रिजर्वेशन नहीं करवाएंगे और जो है आप उसमें सवार हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका ये भी है कि आपको लंबी दूरी के लिए जाना है और अचानक से आपको पता चला कि हमको कहीं दूर जाना है, मान लीजिए पटना से बेंगलोर जाना है, अचानक से कहीं ट्रेन में टिकट नहीं है, तो ऐसे में आप जनरल का टिकट लेते हैं और उसमें सवारी करते हैं। ये एक दो तरीका है जिसको लेकर आगे रेलवे ने बताया है। आपको बता दें कि स्लीपर क्लास में अगर टिकट नहीं रहता, यानी कि नहीं मिलता है, तो लोग सामान्य यानी कि जनरल कोच में सफ़र करने लगते हैं। जनरल कोच में इस तरह के लोग भी यात्रा करते हैं जो कि स्लीपर क्लास का किराया नहीं दे सकते। तीन तरीके हमारे सामने आ गए जो कि जनरल क्लास में सफ़र करने के। वे लोग जनरल क्लास का टिकट लेते हैं। बिहार में खासकर जनरल कोच में खचाखच भीड़ देखने को मिलती है। अमूमन बिहार से दिल्ली मुंबई जाने वाली जो ट्रेनें होती है उसमें अमूमन इतनी भीड़ जो है हमें देखने को मिल जाती है। उसका एक बड़ा कारण यही है कि स्लीपर क्लास का वो टिकट वहन नहीं कर सकते हैं, उतना किराया वो नहीं दे पाते हैं, इसीलिए जो है इतनी खचाखच भीड़ दिखती है और लोग उसमें जाते हैं। रेलवे में यात्रा करने के लिए यात्रियों को देना होगा रिजर्वेशन चार्ज। अभी जो स्थिति थी रेलवे को लेकर कोरोना काल के दौरान, उसमें जनरल क्लास लेकर एसी क्लास तक के लिए जो है अलग अलग रिजर्वेशन चार्ज लगाया गया था। बता दें कि जनरल क्लास में यात्रा करने के लिए यात्रियों को 15 रुपये देना होता था, वहीं स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन के लिए आपको 20 रुपया अलग देना होगा, वहीं थर्ड एसी में 40 रुपया और सेकंड एसी में 50 रुपया, जबकि फर्स्ट क्लास एसी में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको 60 रुपये देने होंगे। बता दें कि रेलवे की तरफ से अब जो नया नियम लागू हो गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि जनरल क्लास में अगर आप जाते हैं यात्रा करते हैं तो अब जो है आपको 15 रुपये जो कि रिजर्वेशन चार्ज के रूप में लिया जा रहा था उसको जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में अब जो आपका नॉर्मल टिकट का किराया जो होगा वही जो है आपसे लिया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इसी साल फरवरी में जनरल क्लास में रिजर्वेशन की अनिवार्यता को समाप्त किया गया था, लेकिन उस समय तक लंबी दूरी की बहुत सी ऐसी ट्रेनें थी जिसमें लोगों ने अपना रिजर्वेशन करवा लिया था। ऐसे में रेलवे ने यह घोषणा किया है कि 120 दिनों के बाद लोग जनरल कोच में रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब जो है ये फैसिलिटी बंद कर दी गई है। ऐसे में वह दिन 28 जून को आ गया जब जनरल कोच में रिजर्वेशन की सुविधा को समाप्त कर दिया गया, यानी कि इस दिन से भारतीय रेलवे में लोग बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर सकते हैं, यानी कि जनरल कोच में जो है आप बिना रिजर्वेशन की यात्रा कर सकते हैं। तो एक तरह से कह लें कि रेलवे की तरफ से आम लोगों के लिए यह एक बड़ी खबर है, जिसमें कि ये बात कही गई कि जनरल कोच में जो है अब रिजर्वेशन नहीं होगा और आप जो है जनरल का टिकट लेंगे और सीधा उसमें सवारी करेंगे। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।